और फिर थोड़ा सा वक्त निकाल के हमने कबर्ड भी सॉर्ट किया, वो भी सॉर्ट करना है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कपड़े जो है वो सेट हो जाए। और ये प्यारा रूहान देखिए आजकल बहुत समझदार हो गया है, सीधा है, ऐसे क्रिप में रहता है, अपने दोस्तों को देखते रहता है, उनसे बातें करता रहता है। मैं ना जाऊं बात करने, क्योंकि वो चुपचाप लेटा है, या तो फिर रोएगा तो फिर चुप करा। ये तो गलत बात है ना यार, अभी वो जगह है, मैं उसके पास जा रहा था खेलने के लिए, वो कुछ सन से बात कर रहा है, उसको बात कर ले दो। तो फिलहाल उसका ना शेड्यूल हो गया इस टाइम पे, वो रोज ये वाला फील्ड लेने के बाद दिखता है ब्लैक एंड व्हाइट वो, पर ये गलत बात है ना, मुझे रोक दो जाने से। जब भी शोएब इब्राहिम ज्यादा वक्त घर में गुजारते हैं तो वो चाहते हैं कि हर वक्त वो बेबी रूहान के साथ रहें। बेबी रूहान सोता है तो शोएब इब्राहिम फिर भी बाज नहीं आते, उसको उठाने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से दीपिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि शोएब अकेले फिल्म देखने गए हैं जवान, जो शाहरुख खान की है। दीपिका शोएब इब्राहिम को बहुत ज्यादा पसंद है शाहरुख खान की फिल्में। दीपिका ने फर्स्ट टाइम मिस की है शाहरुख खान की फिल्म सिर्फ बेबी रूहान की वजह से। आप सभी को मालूम होगा कि बेबी रूहान अभी काफी छोटे हैं, और शादी के बाद शोएब इब्राहिम की भी ये फर्स्ट मूवी है जो देखी है उन्होंने दीपिका के बिना। फिल्म देखते हुए शोएब ने किया दीपिका को बहुत ज्यादा मिस। ये बात सही है कि जब बच्चे हो जाते हैं तो पेरेंट्स के लिए एक जिम्मेदारी बन जाते हैं, तो अपनी खुशियों को काफी खत्म करना पड़ता है। और आपका क्या कहना है इस बारे में तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। आपसे ज्यादा चाहते हैं, वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।